हाँ यू क्रैब खाओगी? देखो क्रैब है ये, क्रैब खाओगी? देखो कितना सुंदर क्रैब, खाओगी? ये बोलो, खाते हैं क्रैब को? क्यों नहीं खाते हैं क्रैब? खाते हैं। हाँ मैंने भी खाया हुआ है क्रैब। मैंने खाऊंगी ये। तो ये है इधर का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुराना मंदिर, 400 साल पुराना मंदिर बलेश्वरम का। ये टेंपल तो पूरा जंगलों के बीच में है ना। रेडी हो यू? देखे चलो। और ये ली क्या बोलते हैं उसको, बनाना खाई? हाँ। और ट्यूब कहाँ की? कहाँ रख दी? हाँ ठीक कर दे रहे। रुपया में नहीं है। कितने दिन में तुमको सीखना है? 11। कितने दिन में? 11। 10 days में? 9 days में। 9 days में? नहीं तुम 3 days में ही सीख जाओगे। अच्छा चलो चलो चलो। यू अच्छे से करना, ओके? बताओ तुमको मजा आया? कितना मजा आया? बहुत मजा आया। ये कौन खाते है सुबह सुबह इडली? कौन? यू खाती। स्विमिंग क्लास करके इडली खा का क्लास जाना है? इडली खाने चलो, फीस ले लेते हैं। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूं दीप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो यू मैडम को लेके गए थे स्विमिंग क्लास, स्विमिंग क्लास हो गया है उनका डन। आज इसका डे वन था तो ज़्यादा नहीं करवाया, थोड़ा बहुत ही सिखाया और कल से अच्छे से होगा। और यू को बहुत मज़ा आया कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं मछली लेकर के आएंगे, मछली बनाएंगे आज। और ये है अमृता इंटरनेशनल स्कूल जो कि मेरे घर के जस्ट बगल में ही है। काफी अच्छा स्कूल है ये भी। अरे सीख यू जंप करना, डरना। हाँ बेटू ठीक है, कोई बात नहीं। बट आपको मजा आया ना? बस तो एक ही आज ही स्विमिंग नहीं ना कर, डर खत्म होगा तभी स्विमिंग कर पाओगे। डर है नहीं, देखे आँख आँख में थोड़ा सा तो डर है, मम्मा का डर है। नेक का फ्रेश फिश नहीं मंगा हमारा, एकदम इसका आधा रहता है, छोटा 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 छोटा। ये कौन सा मछली है? कतला। कतला है। और ये वाला माती? मत्ती। अरे आंटी यही फिश खाती है मत्ती। ओके हाँ यू क्रैब खाओगी? देखो क्रैब है ये, क्रैब खाओगी? देखो कितना सुंदर क्रैब, खाओगी? ये बोलो, खाते हैं क्रैब को? क्यों नहीं खाते हैं क्रैब? खाते हैं। हाँ मैंने भी खाया हुआ है क्रैब। मैंने खाऊंगी ये तो। ये ना ये टाइगर प्रॉन, ये हम लोग खाए तो थे, बहुत टेस्टी होता है। ये देखो ना ये फिश का कलर कैसे है, गर्दन के पास जाके येलो येलो है। इस क्रैब का ये क्रैब ही, ये भी क्रैब है क्या? तो इधर ये क्यों है, इधर क्यों है? ये कौन सा क्रैब है? ब्लू क्रैब। दोनों में से टेस्टी कौन सा होता है ज्यादा? ये कैसे है? ये हाथ है ना क्रैब का। ये 700, ये 400।
देखो यू दिखा काटेगा क्यों, अब तो वो मर चुका है। मर चुका है? जब ये जिंदा रहता है तो काट लेता है, बहुत भयानक। कैसा है इडली बना हुआ यू? कैसा इडली है बना? आप बनाए हो? और नहीं तो क्या, कौन बनाया है बताओ कैसा है? पहले टेस्ट करने दो। करो। ज़्यादा टेस्ट किया। थैंक यू। बस क्लिप दे दो, शाहरुख खान नहीं बनना मुझे। शाहरुख खान नहीं बनना है, ठीक है। हाँ क्या नाम है? चीनू मीनू को बर्ड फूड जो लाया वो दिए थे तुम्हें चुपके से, जब मैं बाहर देखी थी वो लोग खा रहे थे। वो लोग खा रहे थे। तुम क्या लिख रही हो? वाई अच्छे से नहीं लिखी, यू अच्छे से नहीं लिखी हो। यू होता है, ठीक है। ये जो ऐसे घुमाई हो इतना इतना नहीं घूमता है, ठीक है। दिखाओ, लाओ मैं एक बार दिखाऊं कैसे लिखी थी मैं। देखो ये सही है। मैं अपने किचन और यहाँ पे बन रहा है मछली, तो इस तरह से मैं पेपर डाल देती हूँ जिससे कि आंटी को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े स्लैब क्लीन करने में, क्योंकि हमारा वाइट स्लैब है ना, तो फिर ये तेल का दाग या फिर हल्दी का दाग लग जाता है, तो एक दिन लग जाता है उसको जाने में। चला तो जाता है लेकिन एक दिन के बाद। तो काफ़ी फ्रेश मछली है और काफ़ी टाइम के बाद मछली खा रही हूँ। लगातार चिकन ही हो रहा था यू के वजह से। सबसे पहले मैंने नहा लिया, नहा के पूजा वगैरह हो गया मेरा डन, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले नहा के पूजा कर लूँ, उसके बाद घर का सारा काम करूँ। तो अभी डस्टिंग वगैरह जो है सिर्फ मैंने हॉल का ही किया है, क्योंकि आंटी आज थोड़ी लेट से आने वाली है, तो मैंने सोचा कि इसलिए कि सबसे पहले खाने से निपट लेते हैं सबसे पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है घर का सारा काम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे ह्यू के वजह से। ह्यू पूरे दिन घर में रहती है। अभी तो खैर दो तीन क्लासेस मैंने लगा दिए हैं, जैसे कि स्विमिंग क्लास चली जाती है, डांस क्लास तो वो कर ही रही है 3 साल से, तो फिर थोड़ा बहुत उसमें जो टाइम मिलता है उसमें घर का मैं काम कर लेती हूँ। नहीं तो पूरे दिन उसका है कि उसको अटेंशन दूँ, मैं उसके साथ बैठूँ। अगर पढ़ रही है तो पढ़ने टाइम भी उसके आमने ही सामने रहूँ, मैं आस पास ही रहूँ, मतलब उसको पढ़ाते हुए, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और घर का भी बहुत सारा काम रहता है करने को, तो धीरे धीरे जैसे तैसे करते रहते हैं। कहाँ थी मैडम जी? वॉशरूम में। चलो बैठ जाओ, चलो बैठो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो अभी यू फिश खाने का मन था ना तुमको? हाँ, क्या है, क्या है? कोई बात नहीं, जल्दी से पढ़ाई करो, जल्दी से पढ़ाई करो। और जब भी मैं फिश बनाती हूँ ना तो मुझे घर की बहुत याद आती है, क्योंकि अब जब मैं घर जाती हूँ ना तो मेरा सबसे ज़्यादा मन रहता है कि मैं रोज़ ही फिश खाऊँ, क्योंकि वहाँ के फिश का ना टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। और मुझे छोटी वाली मछली जो होता है ना, मारा माछ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेरा बहुत ही फेवरेट है। और इस बार जब मैं घर गई थी तो मुझे वो फिश जो है खाने को मिला, पापा लाए थे, और बहुत ही ऑसम था उसका टेस्ट। तो इस बार जब भी जाऊँगी मैं तो फिर से वो मछली खाने वाली हूँ, और वहाँ बिहार के मछली का ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, आंटी के आने से जो है पहले खाना फिनिश करते हैं, नहीं तो आंटी बहुत गुस्सा करती रहती है। और ये सिस्टम कर देती हूँ मैं जिससे कि जो स्लैब गंदा ना हो और आंटी को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और देख सकते हो आप, ये मछली भी टेस्टी होती है, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं होती है, लेकिन हाँ गाँव के मछली का ना टेस्ट बहुत ही अलग होता है। अपना मछली के ना आप मुँह का साइज देखो कितना बड़ा है, आधा मछली तो इसका मुँह ही निकल जाता है और आधा में बचता है इसका पेट। कितना
इतना ट्रैफिक है ना, कितना टाइम लगेगा अभी? 41 मिनट ना जाने में। और ही मजे से अपना सो रही है, उसको नींद भी लगी हुई थी। मुझे भी नींद लगी हुई है वैसे तो। अरे चलो चलो घूमने। तो अभी हम लोग निकल गए घूमने के लिए, मलेश्वरम जा रहे। कोई टेंपल है वहाँ पे बहुत ही अच्छा। तो आज छुट्टी भी था मिस्टर शाह का, ईद का। तो हम लोग सोचे कि अभी घर पे तो रेस्ट ही करना होता, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं घूम के आते हैं। और ह्यू मैडम का सुबह में स्विमिंग था तो काफी थक गई थी, तो पीछे वो सो गई है। और हम लोग आराम से मजे से निकल रहे हैं। और ट्रैफिक बहुत है ईद की वजह से। देखते हैं कैसा मंदिर है। हाँ, मैं भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। आप भी जा रहे हो? किस कौन से भगवान का मंदिर है वैसे? शिव जी का। ओके, काफी फेमस है लेकिन ना। हाँ, बहुत पुराना है। वहाँ पे ये भी है ना, आपको विंडो शॉपिंग देखना था। हाँ, मुझे बहुत करेक्ट। मैं जब से बैंगलोर आई हूँ ना, तब से मैंने कभी भी विंडो शॉपिंग नहीं किया है। और इन्होंने बताया है कि देखने जा रहे हैं, करने नहीं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन्होंने बोला है कि वहाँ पे तो विंडो शॉपिंग भी होती है, विंडो शॉपिंग है, क्योंकि बैंगलोर में आपको बहुत कम विंडो शॉपिंग का जो है ना ऑप्शन मिलेगा। सारा मॉल ही है कि शॉप ही है, विंडो शॉपिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मलेश्वरम में पता चला कि है, तो आज जाके देखेंगे विंडो शॉपिंग कैसा है, मतलब टाइप किस टाइप का कपड़ा मिलता है, क्वालिटी क्या है। अगर अच्छा होगा तो जरूर थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, और नहीं अच्छा होगा तो घूम फिर के आ जाएंगे मंदिर भगवान जी का दर्शन करके। ठीक है ना? कुछ भी लेकिन नहीं उठाएंगे, आप टेंशन मत लो। मुझे लगा बोले कुछ तो लेके आएंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं उठाएंगे। जैसे शॉपिंग का नाम आता है कि मिस्टर झा का धड़कन तेज हो जाता है कि कितना लूटेगी मेरा। सारे मिस्टर का धड़कन तेज होता है। आपका कुछ ज्यादा होता है ना। और ये है खूबसूरत सा राजीव भवन जिसमें कि राज्यपाल रहते हैं। और इतना हम लोग निकले हुए, इतना टाइम हो गया और अभी भी जो है 14 मिनट बाकी है। ट्रैफिक की वजह से आज काफी ट्रैफिक थी, बट हाँ मौसम बहुत ही खूबसूरत है तो मजा आ रहा है, देख सकते हो आप। और ये रोड भी बहुत सुंदर सा है, रास्ता इतना खूबसूरत है, जो मतलब जो बैंगलोर की खूबसूरती है ना वो इस रोड से पता चलता है। हाँ ठीक है, क्यों मेरा हाथ पकड़ लो बेटा। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और यहाँ पे एक लाइन से ना 3-4 मंदिर है। तो देखते हैं कौन कौन से मंदिर जाते हैं। और ये देख सकते हो आप, ये मलेश्वरम का मंदिर, और लक्ष्मी टेम्पल भी है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है, शिव टेम्पल भी है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। हियू और हियू भी उठ गई है एकदम, बहुत सोई हो तुम। 1.5 आवर लगा है हमें आने में, और ये पूरे टाइम सोती रही है, पूरा टाइम। हाँ ओके, तो यहाँ पे 4 मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग इस टेम्पल आए हैं। ओके, 5 टेम्पल है। कैमरा बंद करते हैं। और कितने खूबसूरती से बनाया हुआ है मंदिर पूरा, है ना ह्यू? ह्यू पता है तुमको ये पहाड़ पे मंदिर है? चलो अंदर चलते हैं। वेद पार्क, दूसरे मंदिर चलते हैं। ये मंदिर ठीक है, ये मंदिर है कौन से भगवान जी का ये मंदिर है, पर देखना पड़ेगा। ये भी ऊपर ही है, देखो जोत कितना सुंदर इसमें किया हुआ है कि ऊपर से डालो ऑयल और उसमें चला जाएगा। Wow.
आ जाओ यू आराम आराम से आना। दादा क्या हुआ हमारे मंदिर वाला ही वो बनाओ। हाँ वो क्या है ओम, उसको ओम बोलते हैं। हाँ वो मंदिर में ओम दिखाई रहता है। हाँ और अब हम लोग आ गए हैं तीसरे मंदिर मलेश्वरम का, और ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। पूरा अगल बगल पूरा ग्रीनरी है और काफी बड़ा मंदिर है, अद्भुत। ये मंदिर तो बहुत ही अद्भुत है। वो नंदी, अच्छा ये पानी कहाँ से आता है वो किसी को पता नहीं है। ओ देखो यो कितना खूबसूरत ये मंदिर है। तो यही है वो मिस्टीरियस मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसमें मिस्ट्री की बात ये है कि नंदी जी हैं यहाँ पे और उनके मुंह से जो है पानी कंटिन्यूस गिरते रहता है शिवलिंग पे, और शिवलिंग को पूरा टाइम वो ठंडा करते रहता है पानी से। और ये पानी कहाँ से निकलता है आज तक कभी किसी को पता नहीं चला। तो क्योंकि ये मंदिर बनाया नहीं गया है, ये 7000 साल पुराना ये मंदिर है, एज इट इज़ है ये मंदिर। जस्ट के बाहर जो है रिनोवेशन होते रहता है, लेकिन अंदर का जो ये आप देख रहे हो ये एज इट इज ही है। और ये पानी जो है नंदी जी के मुंह से निकला हुआ पानी है और जो कि शिवलिंग पे गिरता है, और बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे आकर के, जो सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही बताया कहाँ आ गए। इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे आकर के। और ये जो दृश्य था जो नंदी जी के मुंह से जो पानी गिर रहा था शिवलिंग पे, ये तो अद्भुत दृश्य था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। अभी सारे लोग जो है गोल गोल घूमेंगे, तीन चक्कर लेंगे क्या? नहीं नहीं इस कुंड के तो नहीं नहीं, सब ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। हाँ ओ अच्छा चलो हियू जल्दी चलो। वो नंदी जी के मुंह से जो पानी निकल रहा था, जो किसी को नहीं पता कहाँ से पानी आता है, वो सारा पानी इसमें जाता है कनेक्ट होकर के पाइप के थ्रू, है ना? और ये फिर यहाँ से नदी में चल जाता है। ये नदी में जाता है। ओके। और ये मिस्टीरियस मंदिर है शिव जी का, नंदी जी का और शिव जी का, है ना? शिव टेम्पल और नंदी भगवान का मेन टेम्पल है इसमें। यू कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा मंदिर? बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। ये टेम्पल तो पूरा जंगलों के बीच में है ना? ये कौन सा मतलब जंगल ही होगा? अच्छा गार्ड मतलब जंगल, काडू काडू मतलब जंगल। चलो चलो यू मंदिर। वो प्रसाद है हाँ। तो रख लो बाद में खाना। और ये कितना साल पुराना मंदिर होगा वो भी नहीं पता है ना, 400 साल पुराना। तो फाइनली हम लोग मालेश्वरम के चारों टेंपल चले गए और एक रह गया साईं बाबा टेंपल। तो आज हम लोग साईं बाबा टेंपल नहीं जा पाए क्योंकि आज है थर्सडे, बहुत ज़्यादा रश है और ऑलरेडी अभी जो है 9:30 हो गया है, तो घर जाते जाते 11:30 हो जाएगा। और देखते हैं मार्केट हम लोग जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ का जो विंडो शॉपिंग है वो बहुत ही फेमस है। तो अगर टाइम मिला तो जाएंगे, फिलहाल पहले कुछ खा पी लेते हैं
और उसके बाद लेकिन मंदिर आके ना यहाँ पे बहुत बहुत सुकून मिला। और सबसे खूबसूरत वो मंदिर था जिस जो कि मिस्ट्री मंदिर है, जिसका पानी कहाँ से गिरता है पता नहीं है। वहाँ पे जाके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मेरे मम्मी पापा या मम्मी जी पापा जी लोग आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे लेकर के आएंगे। बहुत ही औसम मंदिर था। और कहाँ से गाइस, कहाँ से गिर रहा है पानी? वो जो चलो, चलो, चलो अच्छा चले पता चला विंडो शॉपिंग वाला मार्केट किधर है। ओके चलो चलते, पहले कुछ खा पी लेते हैं।